गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आज 20 डे व्लॉग्स का तीसरा दिन है। सबसे पहले क्या है, अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, सो उठ गया हूँ। तो पहले क्या है, पहले नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि सबको उठाते उठाते यार काफ़ी टाइम हो गया है, साला कोई उठ नहीं रहा है। साल मैंने अशर करीब 8 से 9 कॉल किए, साले ने एक कॉल ही उठाई है। और बातें रात में बैठ के इतनी बड़ी बड़ी करता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सुबह उठ जाऊंगा ये कर दूंगा। चलो तो गाइस मैं सोच रहा हूँ ऐसा करता हूँ, इसके घर में आवाज़ देता हूँ, पर अगर इसके पापा उठ गए तो भाई बाप रे बाप, क्या बोलता, आवाज़ ही देता हूँ। अशर अशर लगता है भाई खबर सो रहा है साला। तो गाइस अभी जैसे कुछ ऐसा है कि फिर से ठंड में हालत खराब हो गई और सालों को लेने जा रहे हैं। काफ़ी देर के बाद सालों ने फोन उठाया बोलने की लेने आओ अगर खेलना है, तो क्या करें यार, दोस्त जाना पड़ता है। तो गाइस देख सकते हैं ठंड कितनी ज़्यादा है, मुँह से आवाज़ नहीं निकलती यार ठंड के मारे। तो अभी क्या, अभी सालों को लेने जा रहे हैं, तो चलते हैं इन लोगों को ले रहे थे, उसके बाद देखते हैं आगे सीन क्या रहेगा, उसके बाद मिलते हैं आगे ब्लॉग में आपसे। तो गाइस काफ़ी टाइम के बाद अब मैच स्टार्ट होने जा रहा है और मेरे साथ इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर यासिर, सैयद यासिर, कुछ बोला जाएंगे भाई। इस मैच हारने के बाद छोला भटूरे खाने का मजा ही कुछ और है। साहिल भाई कैसा लग रहा है आज फिर मैच हारे? चालान कर दो, जो डर फेंकेगा फाइन पड़ेगा 500 रुपए, 250 के मैच में 500 का फाइन। लगातार मैच हारने के कारण अली भाई के दिमाग पर गहरा सदमा पड़ा है। इनको तुरंत लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर किया जा रहा है क्योंकि इनकी मानसिक हालत बहुत ज्यादा खराब है। आप देख सकते हैं इनको क्या हो रहा है। तो गाइस अब छोला भटूरा आ गया है।